अच्छा 1 2 3 हम्म, ठंडा पानी है भाई, बहुत ठंडा। फिलहाल ये चेक करें कितना खूबसूरत अच्छा व्यू है। सो गाइस काकोई जो ना पहले से भी फिलहाल बहुत ही डेवलप हो गया। अरे यार गिर मत, जैसे तक पूरा गिर गया पूरा। तुम्हारे पास लाइसेंस है तो गाड़ी का चला रहे हो लाइसेंस के बिना। तो खुद का मौत का जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा क्योंकि पप्पा का पर अभी हवाई जहाज उड़ाएगा। चल 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 चल। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो गाइस आप सभी लोग एक वापस से नए वीडियो में सभी को स्वागत करता हूँ। एक्चुअली गाइस फिलहाल गर्मी का मौसम आ चुका है तो इसीलिए हम लोग जा रहे हो कहीं पे नहाने के लिए। मतलब आज कोई ऐसे फ्रेंड लोग जा नहीं रहा है तो फ्रेंड लोग का काम है, किसी का काम है तो मैं और बेस्टू ही जा रहा हूँ। तो चलिए फिलहाल चलता हूँ। एंड एक और बात गाइस, एक्चुअली हम लोग ने ये बैग पे मतलब पूरा सामान वगैरह पैक करके लिया बिकॉज वहाँ पे हम लोग नहाने वाला हूँ एंड बड़ा सा झरना है वाटर फॉल। तो चलिए गाइस फिलहाल चलता हूँ, मैं निकल गया पूरा जाने के लिए, फुली रेडी हो चुका हूँ एंड कपड़ा भी ले लिया पूरा। तो अभी चलो फिलहाल चलते हैं। ओके सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे राहुल डुबी में। राहुल डुबी का जो आयरी बार है तो आयरी बार के पास वाला ये जो आई ब्रिज बोलते हैं इसको, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे हूँ एंड बेस्टू भी आ चुका है हमारे साथ। एंड यहाँ पे हम लोग फिलहाल वाटरमेलन टेस्ट करूंगा। ये देखो वाटरमेलन का पूरा फार्म है इधर, मतलब वाटरमेलन का पूरा खेती वगैरह है, मतलब खेती पूरा करके रखा। तो मैं आज आप लोगों को रिव्यू दूंगा वाटरमेलन का। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा जो वाटरमेलन मतलब कैसे उगाते हैं, मतलब बीज से लेके कैसे मतलब बड़ा होता है। तो चलिए मैं भी मतलब एक्साइटेड हूँ, मेरे को भी नहीं पता कि वाटरमेलन कैसे होता है। तो आज मैं आप लोगों को पूरा खेती में लेके आया एंड साथ में आया बेस्टू। तो चलिए अभी देखता हूँ वाटरमेलन। ये देखो भर भर के वाटरमेलन है भाई साहब, इधर पूरा वाटरमेलन का एकदम पूरा खेती वगैरह है। छोटा से बड़ा, हाँ ये छोटा छोटा है और ये बड़ा वाला। तो गाइस आज आया हूँ इधर, खुद ही देख लीजिए। वाह वाह वाह। तो गाइस एक्चुअली ठंडा का मौसम है, ये जो रिवर दिख रहा है आई रिवर है, ये देखो अभी पूरा सूखा हुआ है इधर। मतलब एक्चुअली वाटरमेलन जो है जो बीज है उसका, उसको उगने के लिए कोई मिट्टी की जरूरत नहीं होता, सीड्स सिर्फ बाली वगैरह। एंड ये देखो ये दिख रहा है, ये देखो पूरा बाली, ये देखो। तो वाटरमेलन का सबसे बेस्ट सही टाइम है गर्मी का मौसम है। गर्मी का मौसम है तो आप हर किसी को पता ही है गर्मी का मौसम में वाटरमेलन आता है। एंड ऊपर जो ये इधर दिख रहा है, इधर पूरा दुकान देके बैठा है दोनों कोना में, एक इस साइड में है और एक इस साइड में है। ब्रिज के दोनों साइड में वाटरमेलन का पूरा मतलब सजा के रखा उधर, मतलब बेचने के लिए। एंड नीचे है पेड़ पौधा। तो भाई यहाँ पे वाटरमेलन से पूरा भरे भरे है एंड मैं दिखाता हूँ वाटरमेलन का पेड़ कैसा होता है, पहले ये दिखाता हूँ। ओके क्यों नहीं मिलेगा? जल्दी नहीं मिलने वाला है, ढूंढ ले। ये निकल गया, सर एक उठा ले। तेरे से भारी है, तेरे से ज्यादा भारी है, गजब बेइज्जती है। इतनी भी भारी नहीं। कौन सा, कोई पक्का वाला उठा ले ना, पक्का वाला। पक्का वाला मैं थोड़ी उगाता इसे, मेरे को तो नहीं पता है ना। ये हाँ हाँ ये ठीक है सर, ये ठीक है। चलो इसको पहले फोड़ते, रुक। आयो इसको फोड़ो कैसे अभी। तो बेस्ट अभी इधर वाटरमेलन फोड़ेगा, दम लगा, मुक्का मार मुक्का। चल दोनों, अच्छा 1 2 3 फट गया फट गया फट गया। फोड़ दे बेस्ट में दम है पूरा, फोड़ दिया, गजब बेइज्जती है। फोड़ गया, कच्चा है ज्यादा पक्का नहीं है यार, ज्यादा लाल नहीं है। तो भाई फाइनली फोड़ दिया और इसको इसको पूरा खा पाएगा। बहुत मीठा है, बहुत मीठा। वो वाला खा, ये वाला टेरा, ये पूरा खा ले, खा ले खा ले खा ले। अंदर पूरा गर्म है यार, बस ये चक्कर पूरा पानी है। कौन है ये लोग? भाई साहब बेस्टू पूरा खा के खत्म कर दिया और मेरा वाला देखो, मैं खुद पानी पानी कर दिया। इसको ऐसे फोड़ोगे तो पानी निकलेगा अंदर से पूरा, ये पूरा गंदा। ये हाथ मुंह धोने के लिए सही है, वाटरमेलन फेस वॉश लगा लेते। तो भाई फाइनली पूरा खा लिया, एकदम भरे भरे पेट पूरा भर गया। सो गाइस वाटरमेलन का जो खेती होता है वो ठंड का मौसम में, इसका जो बीज वगैरह होता है तो ठंड का मौसम में एक्चुअली खेती में मतलब गाड़ता है, फिर गर्मी का मौसम यह सब बड़ा हो जाता है और सेल करता है। सही है, इसे अगर आप भी करना चाह रहे हो तो नहीं होगा, ये नदी वाला एरिया में होता है एंड सीड्स में होता है। इसे देखो पूरा सीड्स में पड़े है। तो गाइस आगे है नदी, एक्चुअली हम लोग जहाँ पे खड़ा हो ये भी नदी है। जब बारिश का मौसम हो जाएगा इधर पूरा पानी पानी हो जाएगा। छोटा-छोटा फल। अच्छा, ये देखो ये जो वाटरमेलन है देखो इतना छोटा छोटा है, इधर अभी जस्ट हो रहा है ये है फूल।
ये तो छोटा सा जस्ट अभी हो रहा है इधर। सो गाइस एक्चुअली हम लोग जाना चाह रहे थे काकोई जोना, तो काकोई जोना फिलहाल अभी यहाँ से जाऊंगा काकोई जोना। एंड यहाँ पे जस्ट हम लोग वाटरमेलन टेस्ट करने के लिए आया था, तो ये साल में वाटरमेलन एक्चुअली टेस्ट नहीं किया था, तो इसीलिए जस्ट टेस्ट करने के लिए आया था। तो बेस्टी भी आया था मेरे साथ टेस्ट करने के लिए, तो अभी चलो फिलहाल चलते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंचे थे रखल डूबी में, एंड रखल डूबी मेरा मतलब ये फ्रेंड भी रहता है, तो इसको भी बुला लिया, मतलब एकदम खाली खाली सा लग रहा था मतलब हम दोनों, तो इसीलिए इसको भी बुला लिया। तो ये है रोजीविल ब्रो, तो अभी चलता हूँ फिलहाल काकोई जोना में, मतलब इसका घर से ज्यादा दूर नहीं, जस्ट 5 किलोमीटर होगा। तो चलिए फिलहाल चलता हूँ हम तीनों। तो गाइस एक्चुअली बात ये है कि ये जो बेस्टू है तो इसका फेवरेट गाड़ी एक्चुअली एमटी है, वैसे चला पाएगा तू? चला पाएगा? अरे भाई साहब हर्ष राइडर ना हैवी ड्राइवर, तो खुद का मौत का जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा, क्योंकि पापा का परी मतलब बाइक चलाएगा अभी, पापा का परी अभी हवाई जहाज चलाएगा। चलो चल 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 चल, उसका मौत को खुद दावत दे रहा यार। तो भाई मेरा अगर कुछ हुआ तो ये बेस्टू जिम्मेदार बनेगा, इसको इसके ऊपर केस कर देना अगर मेरा कुछ हो गया तो। भाई सब धीरे चलाना गाड़ी, वेलकम टू काकोई जोना गाइस, एंड ये रहा काकोई जोना का रोड कुछ ऐसा है। भाई यहाँ पे लोग इतना रिएक्शन दे रहा है क्योंकि मैं इसके पीछे बैठा हुआ और ये बाइक चला रहा है लड़की होके, भाई लोगों का तगड़ा वाला रिएक्शन आ रहा है। अच्छा पहले आया था तू, फिर भी बाइक चला गया था। फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे काकोई जोना, एंड यहाँ पे फिलहाल गाड़ी को पार्किंग कर लिया, एंड आगे से यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग टिकट ले लिया, एंड बंदर वगैरह भी है देखो इधर, एक्चुअली ये जगह पे बंदर वगैरह भी देखने को मिलता है आगे। ये ले लिया टिकट, पहले से अभी सजा के रखा पूरा, पहले ये सब नहीं था, अभी बम्बू वगैरह लगा के रखा पूरा। भाई बेस्टू मेरे को सुर के जा रहा है, रुक बहुत नहीं के। मेरे को बहुत नहीं गाड़ी चलाया आज। हाँ। भाई पापा का पड़ी ने एकदम बाइक हवा में एकदम चला रहा था, आदत हो गया अभी चलाने का, इसीलिए तो हवाई जहाज जैसा उड़ा रहा था। चलाया इतना बुरा भी नहीं चलाया, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, मतलब अच्छे से चलाएगा। नहीं तुमको तो लग रहा था ये चलाना नहीं आता, मैं टेंशन में था गिरा ना दे, लेकिन देखा बाप रे बाप बहुत हैवी ड्राइवर है, ड्राइवर है एक्चुअली, ये पहले से ही चलाता है। और फिलहाल ये चेक करें कितना खूबसूरत सा व्यू है। सो गाइस काकोई जोना पहले से भी फिलहाल बहुत ही डेवलप हो गया, एकदम सजा के रखा पूरा, पहले ये सब नहीं था, अभी पहले आया था पिछला वाला ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पता ही होगा। एंड फिलहाल पूरा सजा के रखा हरा भरा, और ये देखो फूल वगैरह कितना खूबसूरत है। सुबह यहाँ पे हम लोग फोटो वोटो खींच लिया, एंड फिलहाल हम लोग चलेंगे राइट साइड में, तो राइट साइड में जाने पे आगे झरना है, फिलहाल हम लोग झरने में चलेंगे झरना देखने के लिए वाटरफॉल। तो गाइस फिलहाल अभी काकोई जोना का जो पहाड़ है, तो फिलहाल अभी हम लोग चढ़ रहा हूँ, कल भी किया, कल चढ़ते चढ़ते पैर पूरा दर्द कर रहा है, आज थोड़ा जैसे नॉर्मल रास्ता जैसा है, बट ज्यादा ऊपर उठना नहीं चाहिए, थोड़ा ही उठना पड़ता है। तो आगे वाटरफॉल है, फिलहाल हम लोग वाटरफॉल के उस साइड में जा रहा हूँ। तो भाई हम लोग जैसे पहाड़ चढ़ रहा था, एंड ये चेक करें कितना खूबसूरत सा प्लेस है, और हम लोग बस चलते जा रहा हूँ चलते जा रहा हूँ। सो गाइस काकोई जोना आगे देख सकते हो, ये पूरा जंगल एरिया है पूरा। तो गाइस हम लोग जस्ट पहाड़ चढ़ रहा था, ये देखो कितना, अब सीधा चढ़ना पड़ेगा, और ये लोग का हालत तो पूरा खराब हो चुका है, इधर बैठ गया। चलो हम लोग थोड़ा अभी क्या है रे, अरे यार गिर मत, जैसे तक पूरा गिर गया पूरा। अरे भाई आ जाओ, क्या हो गया, यहाँ पर बैठा जाएंगे ना नीचे, सस्ता नशा कर रहे हो। चलो अभी हालत पूरा खराब है, एंड झरने का आवाज आ रहा है, ये देखो झरना का इस साइड से झरना का पानी बह रहा है, और आगे है यहाँ पे झरना जो वाटरफॉल है। तो चलो अभी शाम भी होने वाला है भाई, अंधेरा होने वाला है, जल्दी करना पड़ेगा भाई, जल्दी करो यार। झरना मिल गया फाइनली, ये देखो झरना का पानी इधर से बहते हुए जाता है भाई। अभी पूरा शाम हो गया, रात होने वाला, अंधेरा होने वाला यार। चलो हम लोग को मिल गया झरना, और ये बेस्टू पूरा खुश हो गया झरना देख के। भाई यहाँ पे जस्ट हम तीनों ही है और कोई लोग है ही नहीं, चलो गर्मी का मौसम नहीं है ना, और आज ऊपर से ऐसी ठंडा है, तो सुबह जस्ट धूप निकला था, और जब घर से निकला पूरा धूप चला गया, ये देखो बादल, काला बादल छाया पूरा ऊपर, आज शाम को शायद बारिश आएगा पूरा, बहुत दिन से बारिश नहीं देखा, 4-5 महीना हो गया बारिश नहीं देखा। तो भाई ये रहा झरना, तो जो चीज आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आया था, बट अभी का टाइम है मतलब बारिश नहीं हुआ ना, तो इसलिए पानी ज्यादा है नहीं, तो ये टाइम है मतलब नहाने के लिए कुछ पानी अवेलेबल है नहीं, बारिश का मौसम में एक्चुअली पानी यहाँ पे ज्यादा होगा, तो अभी नहाने के लिए कम्फर्टेबल है नहीं, एक महीना बाद से हो पक्का पानी आ जाएगा, पूरा पूरा पानी आ जाएगा। तो एक महीना बाद अगर आप लोग आओगे तो नहा सकते हो, पूरा दिल खोल के नहा सकते हो। हम लोग आज कपड़ा लाया था, बट मौसम खराब हो चुका है, तो इसलिए हम लोग छोड़ के आया गाड़ी में। ठंडा पानी है भाई, बहुत ठंडा। सो गाइस आज के लिए बस वीडियो इतना ही था, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।